हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, एमसीआरई 2023 का पेपर आपका अब एक दिन बचा है इसमें, और इसके रिगार्डिंग एक मेल आया है। आई होप आप सबको भी आया होगा। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन हैं, जिस पे खासकर उन लोग को ज़्यादा ध्यान देना है जो लोग एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखे हैं। ठीक है, उनके लिए रिगार्डिंग मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि मेल आया ही इस नाम से है कि मोर देन वन पोस्ट वालों के लिए कि जो भी क्वेरीज आ रही थी तो उन्होंने सबको मेल भेजा है। तो काफ़ी लोगों को गया होगा, या जिनको नहीं गया है तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बना रही थी। दूसरा, कई लोग को प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई उनके एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे, और एक्सरसाइज चूज़ किया भी है आपने फिर भी नहीं हो रहा है, तो उसका एक सॉल्यूशन है, वो मैं बता दूंगा आपको एंड में। अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो मेल आया है वो आपके इसके लिए आया है, एडमिट कार्ड आफ्टर एक्सरसाइजिंग चॉइस ऑफ एम्स फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन CREM 2023। ये आपका टाइमिंग पे आया था, और ये आया है आपका, पढ़ सकते हो आप, डियर कैंडिडेट ग्रीटिंग्स, होप यू ऑल डाउनलोडेड योर एडमिट कार्ड आफ्टर एक्सरसाइजिंग चॉइस ऑफ एम्स फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन CRE 2023। चलिए, यहाँ तक तो ठीक है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन क्वेरीज रिसीव्ड इन पोर्टल, मतलब पोर्टल पे जितने भी क्वेरीज उनको रिसीव हुए हैं, ऑल आर रिक्वेस्टेड टू रीड फॉलोइंग वेर यू हैव अप्लाइड फॉर मोर देन वन पोस्ट। आपको ये सब पढ़ने की ज़रूरत है अगर आपने एक पोस्ट से ज़्यादा के लिए अप्लाई किया है। सबसे पहला पॉइंट ये लोग कहते हैं, आपको नोटिफिकेशन ये वाला पढ़ना है जो 12 दिसंबर को आया था रिगार्डिंग इस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, दूसरा, आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कहाँ से करना है, माई पेज से करना है। इफ़ एनी पोस्ट अप्लाइड कंडीशन दैट यू हैव एक्सरसाइज चॉइसेस फॉर ऑल अप्लाइड पोस्ट फेलिंग विच आर कैंडिडेट विल बी नॉट बी कंसिडर्ड। आपको किसी भी पोस्ट का मतलब आपने भरा है उसका सारा एक्सरसाइज चॉइस आपको चूज़ करना है, जितने भी वहाँ पे अवेलेबल है सारे, नहीं तो आपका कैंडिडेचर क्या हो जाएगा, कंसिडर नहीं किया जाएगा। तीसरा, डाउनलोडेड एडमिट कार्ड विल कंटेन ऑल डिटेल ऑफ शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन अप्लाइड पोस्ट, चेक पोस्ट कोड एज मेंशन इन एडमिट कार्ड एंड योर रजिस्ट्रेशन स्लिप एड्रेस एडमिट। अगर आपके पोस्ट कोड को चेक करना है क्या वो रजिस्ट्रेशन स्लिप में सेम है और आपके एडमिट कार्ड में सेम है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, एज एडमिट कार्ड कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम एनी कैंडिडेट आई डी, द एडमिट कार्ड विल रिफ्लेक्ट डिटेल एज फिल्ड इन रेस्पेक्टिव एप्लीकेशन बट शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन विल बी सेम। किसी भी कैंडिडेट आई डी में, मतलब आपका जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे किसी भी कैंडिडेट आई डी से, तो एडमिट कार्ड रिफ्लेक्ट करेगा एज फिल्ड इन रेस्पेक्टिव एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन में उसको फिल किया गया होगा वैसे, बट शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा वो सेम दिखाएगा। द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दो पार्ट्स हैं सबको पता है, एक जनरल है और एक डोमेन स्पेसिफिक है, दोनों की 45 मिनट के, एंड विल बी कंडक्टेड कंसेक्यूटिवली एज पर द ग्रुपिज्म पब्लिश इन द इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। इतना वो ग्रुपिज्म, जो भी पोस्ट कोड वाइज ग्रुप में सब एग्जाम्स बटे हुए हैं, अगर आपका सेम में मैच नहीं कर रहा है तो हर 45 मिनट के ख़त्म होने के बाद एक दूसरा पेपर शुरू होगा, मतलब 40-45 मिनट्स के बाद आपके पेपर कंटिन्यू चलेंगे अगर आपका दो पोस्ट कोड डिफर हो जाता है। फिर 6 नंबर में है, डोमेन स्पेसिफिक कोड एज मेंशन इन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नोटिस इतना विल बी डिस्प्लेड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। आपका जो डोमेन स्पेसिफिक कोड रहेगा वो एग्जामिनेशन के समय जो भी आपके पोस्ट का था इस नोटिफिकेशन के अंदर वो डिस्प्ले होगा एग्जामिनेशन के टाइम पे। 7, यू हैव टू कम प्रिपेयर्ड फॉर ईच अप्लाइड पोस्ट ऑन द शेड्यूल डेट टाइम एज पर रिपोर्टिंग टाइम, वेयर एज एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड वन आफ्टर अदर। आपको जो भी जहाँ पे शेड्यूल्ड किया गया है रिपोर्टिंग टाइम पे आपको पहुँच जाना है, जहाँ भी आपका एग्जामिनेशन होगा, जहाँ एक के बाद एक एग्जामिनेशन होंगे। नेक्स्ट, फॉर ईच एग्जाम सिर्फ डाउनलोड ए सेपरेट कॉपी, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका 8 नंबर। और 8 नंबर में है क्या, 8 नंबर कह रहा है फॉर ईच एग्जाम शिफ्ट, हर एक एग्जाम के शिफ्ट के लिए एक सेपरेट कॉपी आपको एडमिट कार्ड का रखना है, जो कि आप इन्विलेटर को दोगे। जैसे आपका पोस्ट, जैसे LDC का ही मान लो, तो डोमेन एक अलग शिफ्ट में है और जनरल अगर अलग शिफ्ट में है एज एग्जाम्पल, तो इस शिफ्ट में आप जो पेपर दोगे वो इन्विलेटर को सबमिट करोगे एडमिट कार्ड, तो आपको अगले शिफ्ट देने के लिए भी एडमिट कार्ड की ज़रूरत होगी, तो इसके आपको 2 कॉपीज लगेंगे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप एक एडमिट कार्ड के साथ मत चले जाना। उसमें क्या है कि एक एडमिट कार्ड तो आपको यहाँ पर सबमिट ले लिया जाएगा, दूसरा एडमिट कार्ड आपको इस वाले पेपर में देना होगा। अगर शिफ्ट बदल रहे हैं, पोस्ट आपके सेम है, तो एडमिट कार्ड तो आपको कॉपी 2 रखनी पड़ेंगी, और पोस्ट ही अलग है फिर तो एडमिट कार्ड अलग आएगा ही, अलग अलग शिफ्ट में है, अलग दिन में है तो वो तो अलग आएगा ही। लेकिन अगर एक ही एग्ज़ाम है बट शिफ्ट 2 हैं तो आपको 2 कॉपी रखनी पड़ेगी, एक कॉपी आपको सुबह वाली शिफ्ट या शाम वाली शिफ्ट में जो भी है वहाँ आपको सबमिट करना पड़ेगा, और दूसरा आपको दूसरे जगह बार सबमिट करना पड़ेगा क्योंकि एडमिट कार्ड जमा कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट 9th पॉइंट आपका दिया गया है इसके बारे में कि आपका जितने भी पोस्ट और कोड आपने अप्लाई किए हैं वो सब आपको नीचे मेंशन कर दिए गए हैं। एज यू हैव अप्लाइड मोर देन वन पोस्ट, यू हैव मल्टीपल कैंडिडेट IDs। ठीक है, आपने बहुत सारे पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा तो आपके पास कैंडिडेट आईडी बहुत सारा होगा, बट
उस सब आईडी को मिला के आपके लिए रोल नंबर एक ही तय हुआ है, यू हैव बिन असाइंड अ कॉमन रोल नंबर। आपको एक कॉमन रोल नंबर मिलेगा आपके सारे ही पोस्ट के लिए, ठीक है। आपने चार पोस्ट भरे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपका रोल नंबर क्या होगा एक ही होगा, कैंडिडेट आईडी अलग अलग होंगे। डिटेल ऑफ पोस्ट पोस्ट अप्लाइड बाय द फॉलोइंग, अब डिटेल दिया गया है इस तरीके से आपको डिटेल मिलेगा। कैंडिडेट आईडी में आपका आईडी नंबर होगा, रोल नंबर में आपका रोल नंबर होगा, पोस्ट कोड में आपको जितने भी पोस्ट होंगे वहाँ पोस्ट कोड आपका यहाँ बटा होगा। मान लो 30 है, आपने एक भी भरा है, 30 भी भरा है, बहुत सारे यहाँ पे हो सकते हैं। पोस्ट नेम आपका यहाँ पे रहेगा और आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो यहाँ पे रहने वाला है। ये आप एम्स की तरफ से, एग्जामिनेशन सेक्शन एम्स न्यू दिल्ली की तरफ से आया है। हालांकि अभी आपका क्या हो गया, कोर्ट केस का कुछ लोचा चल रहा है, बट फिर भी आपका एग्ज़ाम तो होगा शेड्यूल डेट पे 18-20 तारीख को। हाँ, रिज़ल्ट का क्या सीन होने वाला है वो आपको पता चली जाएगा एग्ज़ाम के बाद क्या, क्योंकि रिज़ल्ट तब आएगा जब ये कोर्ट केस फाइनल हो जाएगा, ठीक है। रिज़ल्ट उसके बाद होगा और हियरिंग आपकी जनवरी 24 में है। तो चलिए ठीक है, उसका तो बाद में ही बात करेंगे। अब बहुत लोग को जो दिक्कत आ रही है कि उनका क्या हो रहा है ना, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा, डाउनलोड नहीं हो रहा। तो एडमिट कार्ड जिनका डाउनलोड नहीं आ रहा वो लोग क्या कर रहे हैं, आपका जब एक्सरसाइज चूज़ करना होता है तो यहाँ आपको होता है पोस्ट अप्लाइड, ठीक है। यहाँ आपको पोस्ट अप्लाइड का ऑप्शन होता है, जब भी आप लॉगिन करने जाते हो तो यहाँ जब उसका एक्सरसाइज चूज़ करने के लिए जो पेज ओपन होता है, यहाँ पोस्ट अप्लाइड होता है और यहाँ पे आपका प्रेफरेंस होता है एम्स का, ठीक है। और जैसे जैसे आप सेलेक्ट करते हो वो नीचे एक पेज में एड ऑन होते जाता है, यहाँ रिमूव का ऑप्शन होता है, ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे जितने पोस्ट होगा, सपोज़ यहाँ पे एलडीसी है, तो एलडीसी वाले में जितने एम्स खुलेंगे ना, जितने भी यहाँ मान लो चार एम्स खुल रहे हैं, चार एम्स, तो ये चारों के चारों फिल करने हैं आपको एलडीसी के साथ। पहले ये एम्स, फिर ये एम्स, फिर ये एम्स, फिर ये एम्स, मतलब ज़रूरी नहीं है कि इसका ही चारों लाइन। सपोज़ नीचे आपको जेएए है, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, यहाँ पे आपका समझ जेएए है और इसका जो एम्स खुल रहा है वो मान लो तीन है, बट आपको मन है कि इसका जो एक ऑप्शन है वो आप ऊपर रखो, फिर ये रखो, फिर इसका, तो ऐसा चलेगा। बट एलडीसी में अगर चार खुल रहे हैं तो आपको चारों फिल करने हैं, जेएए में तीन खुल रहे हैं तो आपको तीनों फिल करने हैं, यहाँ अगर कोई और सा भी पोस्ट है उसमें अगर तीन चार एम्स खुल रहे हैं तो टोटल सारे फिल करने हैं। आप लोग क्या कर रहे हो, एलडीसी में कोई दो फिल कर दे रहे हो, जेएए में दो कर दे रहे हो और इसमें दो कर दे रहे हो, टोटल छः। बल्कि करना क्या है कि आपको पूरे के पूरे टोटल फिल करने हैं, मतलब एलडीसी में अगर चार एम्स हैं तो चारों, जैसे ऑफिस असिस्टेंट में आपके पास छः एम्स खुल रहे हैं तो वो भी, फिर जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में अगर पांच खुल रहे हैं तो वो भी, मतलब जितने खुल रहे हैं ऑफिस असिस्टेंट बार बार यहाँ पे अप्लाई चूज़ करना है, उसके बाद दूसरा एम्स, फिर ये एम्स, तो आप देखोगे कि पहले जो आपने चूज़ किया वो यहाँ ऑप्शन से हट जाएगा, दूसरा तो चार से अब तीन हो जाएगा, फिर दो हो जाएगा, फिर ये अपने आप ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। तो वैसे क्या करना है, आपको पूरा का पूरा फुल सेलेक्ट करना है जब तक कि पूरा सेलेक्ट ना हो जाए, और जब तक ये नहीं करोगे आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होगा। और जैसे ही ये आप कंप्लीट कर लोगे, हाँ, आपने अगर तीन पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो तीनों पोस्ट के लिए ये फुल प्रोसेस ये करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज़ एडमिट कार्ड एक पोस्ट का भी डाउनलोड नहीं होगा, तीनों पोस्ट का आप लोग कर लोगे एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, ऐसा सिस्टम है। और नहीं करोगे तो इस वजह से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। बाकी एक्सरसाइज कैसे चूज़ करना है, एक्सरसाइज काफ़ी लोग का क्वेरी ये भी था, एक्सरसाइज चूज़ कैसे कर रहे हैं, कितना कैसे करना है, एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है, उसके रिगार्डिंग एक ये वीडियो ऑलरेडी बन रखी है जो कि आपको 13 दिसंबर को ही पब्लिश हुई है चैनल पे। तो आप लोग इस वीडियो को जाके देख लेंगे तो आपको प्रेफरेंस, एक्सरसाइज, एडमिट कार्ड सब कुछ पता चल जाएगा, एग्ज़ाम प्रोसेस से लेकर ज्वाइनिंग तक जितने भी नोटिफिकेशन में दिया हुआ था सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेरी काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स देखने के बाद पता चली थी कि अभी भी लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, जबकि ये 13 तारीख को ही वीडियो आ चुकी है। अब आपका एग्ज़ाम एक दिन में होने वाला है, आज 16 तारीख हो गया है, तो आज 17 हो गया है, तो आज आपका अब नेक्स्ट डे आपका एग्ज़ाम ही होना है। तो एडमिट कार्ड अभी भी आपके पास टाइम है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का, ऐसा कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन हाँ, आप ये जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं करोगे एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं लेगा, ठीक है। बाकी अगर कोई दूसरा अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूँगा, चलिए ठीक है।